ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत यानि मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। बाप परमधाम से आया है बच्चों को अपनी पहचान देने कि तुम भी परमधाम निवासी थे, पार्ट बजाने इस धरा पर आए थे, पार्ट बजाते बजाते अंत समय में पहुंच चुके हो। अभी अपनी सत्य पहचान लो, बाप को याद करो, घर को याद करो, जहां पार्ट बजाने पहली बार उतरे थे उस सुखधाम को याद करो और वापस चलो। ड्रामा पूरा हुआ, बच्चे तुम ही देवता थे, अभी वापस बन रहे हो। बस थोड़ी मेहनत है, किसी को जल्दी स्मृतियां आ जाएंगी कि वो देवता थे, किसी को स्मृतियां आने में समय लगेगा कि वो देवता थे, पर बाबा कहते हैं तुम ही थे। तुम्हें याद करने में थोड़ा कठिन होता होगा कि हम देवता थे क्या। बच्चे वापस बनना है जो थे, इस बात पर ध्यान दो। यह संसार माया जाल है, स्मृति विस्मृति का खेल है यह सारा। तुम इसमें अटक पड़े हो, इस संसार में, इस माया जाल में। तुम्हें स्मृति दिलाने में आया हूं कि तुम कौन हो और कौन थे। तुम मेरी बातों पर जरा गौर करो, अटेंशन दो, समझ की बातें हैं। वापिस मैं तुम्हें वही बनाने आया हूं। तुम संसार की स्मृतियों में पार्ट बजाते बजाते इतना खो गए हो कि तुम मुझे भी ध्यान से ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। ध्यान देना, संसार को इतना नज़दीक किया है तुमने, तुम्हारे लिए संसार इतना प्रिय हो गया है कि तुम अपना रिश्ता भी भूल गए हो बाप और बच्चे का। मैं तुम्हें रोज बार बार समझाने देता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझ पाते। और बच्चे, यह एक ही जन्म है जब तुम समझ पाओगे, क्योंकि एक बार शरीर छोड़ा, फिर बच्चा बनकर आया, फिर तुम्हें वापस पहचान देनी पड़ेगी, ये बाप ये दादा, ये शिव बाबा ये ब्रह्मा बाबा। उसमें भी तुम्हारे माता पिता शरीर के, वायुमंडल, खान पान, जहाँ जन्म लिया है उनके संस्कार कैसे होंगे, और उसके बीच तुम मुझे वापस पहचान पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी अगर पहचान मिली है तो पहचान को पकड़ के रखना, पहचान का चांस नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर छोड़ा कि आत्मा भूल जाती है, फिर वो कितनी भी योगी हो दूसरे जन्म में चली गई,
नए सिरे से पहचान देनी पड़ती है बाप की, ये बाबा है, शिव बाबा है, यह ब्रह्मा बाबा है। बाबा कहते हैं खेल समाप्त हुआ वहीं पर, कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी बच्चों को लगता है करेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, बाबा कहते गफलत मत करो। ड्रामा भी कहता है दिखाएंगे बाद में, माया भी कहती है कराएंगे बाद में। क्या आप जानते हो दोनों से, ड्रामा और माया? इसलिए बच्चे ध्यान दो, बाप आया है तुम्हें मनुष्य से देवता बनने। तुम मनुष्य नहीं थे, देवता ही थे, बस तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम भूल गए हो। और उसके कारण क्या है? जो दैवी फजीलत, देवताओं के जो मैनर्स हैं, वो धारण नहीं हो पा रहे। जब तक तुम स्वीकार नहीं करते कि तुम देवता थे, वापस तुम्हें देवता बनना है, तब तक दैवी मैनर्स नहीं आएंगे। तुम मनुष्यों के मैनर्स ही सीखोगे और वह असुरी मैनर्स हैं मनुष्यों के, वो तो बाहर ही है, वो तो दिखावे के मैनर्स हैं। बाहरी रूप से दिखने में बड़े सुंदर दिखेंगे, वो रॉयल दिखेंगे, लगेगा कि क्या मैनर्स है इनके अंदर, बहुत नम्रता वाले हैं, स्नेह वाले, प्रेम वाले हैं। बाहरी रूप से ध्यान देना, वो सब आसुरी मैनर्स हैं मनुष्यों के। दैवी मैनर्स सिर्फ बाप सिखलाता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना, देवताओं का भी राज्य था और देवताओं के भी कोई मैनर्स हो सकते हैं। अभी राज्य ही पता नहीं तो मैनर्स कहाँ से पता होंगे, उनकी चाल चलन कहाँ से पता होगी, मुश्किल है। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे जागो, जागोगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुम कौन थे। अभी जो बच्चे मददगार बने हैं, वही बच्चे जो कल्प पहले मददगार बने थे, इस कल्प में भी मददगार बने बाप के, विश्व परिवर्तन करने के लिए, विश्व सेवा करने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए मददगार बने बच्चे, यह भी सौभाग्य है। एक है देवता बनना, बाबा कहते भाग्य की बात है। दूसरा है बाप के मददगार बनना, सौभाग्य की बात है। अंतर है दोनों में। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत आते हैं, पर टीचर के मददगार बहुत थोड़े बनते हैं। टीचर की जो ड्यूटी होती है उसमें टीचर को मदद करते हैं छोटी मोटी बातों में, ऐसे स्टूडेंट बहुत कम आते हैं, कम होते हैं। सौभाग्यशाली है वो, समझ की बात है। भल उनका जो पार्ट हो ड्रामा अनुसार, उस स्टूडेंट की बात कर रहे, उसे जो भी परसेंटेज आए स्कूल कॉलेज में, पर टीचर के लिए वो दिल में रहेंगे सदा। समझ की बात है, टीचर की आशीर्वाद रहती है उनके जीवन में। भले वो मास का लाख रुपया ना कमाए, 10,000 भी कमाए, पर टीचर की आशीर्वाद थी ना, स्कूल कॉलेज की बात कर रहे, उसके कारण वो 10,000 में भी सुखी रहेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे टीचर की आशीर्वाद पाओ मददगार बनकर, टीचर के बनना है। वो पार्ट भी बहुत थोड़े बच्चों का है बाप के मददगार बनने का, बाकी पढ़ाई के लिए तो लाखों करोड़ों आएंगे।
हजारों श्रेष्ठ बनेंगे, 108 ऊंच बनेंगे, 8 सर्वोच्च बनेंगे। उसी प्रकार मददगार बच्चे जो आदि से मददगार बनेंगे, बाप जैसे कहता है मुझे एक ही जन्म में मदद लगती है बच्चों के, बाकी किसी जन्म में आवश्यक नहीं होती, मैं मदद करता हूँ सभी बच्चों को, सारी दुनिया को। और जो बच्चे आदि से अंत तक मेरे मददगार बनते हैं वो कभी भी बुलाए कल्प में, ये गहरी बात है, ये राज बाबा कहते गहरा है, वो कभी भी बुलाए कल्प में मैं आता हूँ किसी न किसी रूप में। क्योंकि बाप ने बुलाया और बच्चे आए, तो बच्चे बुलाए और बाप ना आए ये हो नहीं सकता, ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ की मदद बाबा कहते हैं कल्प भर चलती है, पूरे कल्प भर चलती है। अभी कैसे आता हूँ, किस रूप में आता हूँ, ये जब ड्रामा होगा बाबा कहते तब समझाऊंगा, अभी वो दिमाग से ऊपर चला जाएगा सब। तो बच्चे मददगार बनो। एक बार प्रत्यक्षता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, उसने विराट रूप लेना शुरू किया, फिर मुझे किसी की मदद नहीं लगेगी, ध्यान में रखना, क्योंकि उस समय करोड़ों होंगे मददगार। अभी ही चांस है मददगार बनने का, और चांस ओपन है, कोई भी ले सकता है, जो भी बनना चाहे, बाद में बनना चाहेंगे पर चांस नहीं होगा। बाबा कहेगा अभी मुझे आवश्यकता नहीं है बच्चे, अभी बहुत बच्चे हैं, समझ की बातें हैं। तो बच्चे देखो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ कि तुम देवता थे, तुम कल्प पहले मददगार हो, जागो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। बाबा कहते हैं आसुरी अवगुणों को छोड़ो, जो बुद्धि में पकड़ के रखे हैं, संस्कार में भर के रखे हैं, जिससे मन विचलित तो होता है, उन्हें छोड़ो। बाप जो गुण सिखाता है वह गुण धारण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, जैसे बाप बताता है। अवगुणों को क्या पकड़ना, जिनसे इतने जन्म तुम दुखी होते आए हो, उन्हें क्या पकड़ के रखना, उन्हें छोड़ दो अवगुणों को। बाप जो गुण धारण करने को कहता है उन्हें धारण करो, पावन बनो। बच्चे कल्प पहले तुम पावन थे, जब परम धाम से नीचे आए परम पावन थे, पावन ही पावन थे तुम। ये नहीं सोचना अभी का पाठ देखकर कि हमें नहीं लगता कि हम पावन हो सकते हैं, वो तो अभी का पार्ट है। बाबा कहते हैं तुम थे पावन, नंबर वन पावन थे, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, अभी भी बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे, इस कल्प में भी बनोगे, बने हो, ध्यान में रखना, तुम पावन हो, सदा याद रखना इसे। जैसे देवता थे पावन थे, सदा याद रखना। प्रश्न है दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? बाबा कहते हैं
दैवी मैनर्स है, यह जो धारण करते हैं बच्चे, उनकी परख किससे होती है? सर्विस से। वो बच्चे पावन बनाने की सर्विस करते रहेंगे। बच्चे तुमने जो दिमाग में पकड़ के रखा है, सर्विस माना कर्मणा सेवा, उसे हटा दो। सबसे मुख्य सर्विस है मनसा सेवा, सकाश की सेवा मुख्य सर्विस है। कर्मणा वाचा तो बाद में आते, समझ की बातें हैं। सबसे बड़ी सर्विस है ये सकाश की। इसी से सृष्टि पावन बनेगी। कर्मणा से कोई तुम्हारे कर्मों को स्वीकार करेगा गारंटी नहीं है। वाचा से तुम्हारे बोल पर कोई राजी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर सकाश के लिए किसी के पास ऑप्शन नहीं है। सकाश हर किसी के अंदर जाकर ही रहेगा। शुभ भावना, शुभ कामना हर किसी के अंदर प्रवेश होकर ही रहेगी। इसके लिए ऐसे कोई बात नहीं कि सामने वाला स्वीकार करे तो जाएगा, नहीं, वो अंदर ही जाएगा। इसलिए यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मनसा सेवा, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा। तो बच्चे तुम कितना करते हो, तुम ध्यान दो। मम्मा भी नंबर वन इसी से गई ना, सकाश की सेवा से, मनसा सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा से। तुम इस पर ध्यान दो। जब भी सर्विस शब्द सुनो इस पर ध्यान देना। उसके बाद दूसरी है, नंबर वन सेवा है मनसा सेवा, नंबर टू में आती है वाचा सेवा, और बाबा कहते हैं नंबर थ्री में आती है कर्मणा सेवा, और कर्मणा में अलग अलग प्रकार की आ जाती है। तो नंबर वन में है मनसा सेवा, बच्चे ध्यान देना। सर्विस से कहाँ तक पति से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? बच्चे चेक करो, अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? बच्चों के अंदर अवगुण नहीं रहने चाहिए। बाप के बच्चे हैं ना, बाबा रोज कहता है ना मीठे बच्चे, तो आसुरी अवगुण नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार के। मीठे हो ना तुम, मीठे हो तो जरा भी कड़वापन नहीं रहना चाहिए, जिससे खाकर किसी का मुंह कड़वा हो जाए। मना तुम्हारे कर्म और बोल से, तुम्हारे वाइब्रेशन से किसी की स्थिति बिगड़ जाए, ऐसी बात बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे हैं, बाप के लाडले बच्चे हैं ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं, बच्चे चेक करें। यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। बाबा कहते हैं तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ना, गॉडली सर्विस पर हो, किस लिए? दैवी फजीलत सिखाने के लिए, दैवी मैनर्स सिखाने के लिए। तो बच्चे पहले अपने अंदर चेक करो। तुम जहाँ भी जाओ दुनिया वालों की मुख से निकलना चाहिए कि यह तो जैसे देवता अनुभव होते हैं। दैवी फजीलत, तुम्हारा उठना बैठना चाल चलन देवता ही होनी चाहिए। दुनिया वाले तुम्हें सर्टिफिकेट दे, ये जैसे देवता अनुभव होते हैं, भासते हैं, देवता लगते हैं। कितना आहिस्ते चलते उठते बैठते हैं, कोई जल्दी नहीं है। इनकी चाल चलन देवताई लगती है। कितना सुंदरता से, धीरज से, धीमे आवाज में बात करते हैं। इनकी कर्मेंद्रिया भी ऐसे लगता है इनके कंट्रोल में है।
कितने धीरज से कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, कोई जल्दी नहीं है इनके जीवन में, इनका उठना बैठना, यहाँ तक यह जो गर्दन हिलाते हैं, दृष्टि देते हैं, वह भी कितना देवताओं की तरह भासता है। बाबा कहते हर बात में वह लगना चाहिए बच्चों के, देवता ही बातें, कोई जल्दी नहीं है। इनका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ऐसे लगता है देवता ही है। बच्चे जब स्थूल में अगर तुम देवताओं का नाटक करो, जो स्टेज पर होता है उसमें तुम्हें कोई रोल दिया जाए, तो तुम कैसे चाल चलन रखोगे? देखो जरा, कल्पना करो दिमाग में, कैसे होगा तुम्हारा बैठना? उसी प्रकार बाबा कहते हैं, बस बुद्धि में सोचो कि तुम यहाँ देवता स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में प्रकट हुए हो, अवतरित हुए हो, अपने आप वो सारे गुण आ जाएंगे, उठना बैठना, शरीर भी अपने आप ठीक रहेगा। तुम कोई जल्दी नहीं करोगे किसी भी बात में, किसी की हरकत से तुम तुरंत समझ जाओगे ये अभी भी मनुष्य है, ब्राह्मण है, या अभी फरिश्ता बना है, या देवता ही अनुभव हो रहा है, तुरंत तुम्हें पता चलेगा हर किसी के उठक बैठक से, चाल चलन से तुरंत पता चलेगा। समझ की बातें बच्चे, देखो ध्यान दो, बस तुम नाटक को याद करो, ऐसे समझो कि बाप ने तुम्हें कुछ समय के लिए देवताई नाटक करने को बोला है। समझ है, वो बड़े बड़े एक्टर्स, उनकी भी अपनी आदतें होती है। देखो, वो अपने घर संसार में रहते हैं, उनका खान पान चाल चलन, उनकी अपनी एक्टर्स की आदतें होती है। वो जो बाहरी स्टेज पर एक्ट करने वाले, लेकिन जब उन्हें वह रोल दिया जाता है, तब अपनी सारी आदतों को वह बाजू में रखते हैं और उस रोल से एक रूप हो जाते हैं। जब तक वो पूरा पार्ट पूरा ना हो, तब तक ऐसी कोई आदत को इमर्ज नहीं करते या अपने कर्मों में नहीं लाते जिससे उस रोल पर प्रभाव पड़े विपरीत। बच्चे यही समझो, बाप ने तुम्हें रोल दिया है, तुम सदा इसी नशे में रहो, तुम बाप की संतान ब्राह्मण हो। मनुष्य कभी नहीं बनना, जैसे तुम मनुष्य कॉन्शियसनेस में आ जाओगे तुम गिर जाओगे, तुम लायक नहीं रहोगे। तुम सदैव याद रखो तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कभी इरिटेट नहीं होते, नाराज नहीं होते, उदास नहीं होते, उन्हें कोई चीज हिलाती नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है। सदैव ब्राह्मण मना सदैव मैं और मेरा बाबा इस अवस्था में रहने वाला, सदा ब्रह्म के साथ रहने वाला, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जब तुम इस अवस्था में नहीं हो तो तुम मनुष्य हो। और बच्चे ध्यान में रखना, मनुष्य दुर्गति को पा रहा है और ब्राह्मण सदगति को पा रहा है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, जैसे ही तुम अपने को मनुष्य समझोगे तुम्हारा गिरना निश्चित है, जैसे ही तुम अपने को ब्राह्मण समझोगे तुम्हारा ऊपर उठना निश्चित है। यह खेल कॉन्शियसनेस से चलता है।
तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो उस अनुसार तुम्हारी जीवन चलती है। क्या हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखना। तुम अपने को क्या समझते हो उसी से जीवन चलेगी। तुम मनुष्यों के बीच रहकर भूल गए हो कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता हो, भूल गए हो इसे। बच्चे ध्यान दो, इस कारण क्या हुआ है, भूलने के कारण तुम्हारी आदतें मनुष्यों के जैसी हो गई है। हर आदत, उठना बैठना, खान पान, वस्त्र, परिवार, और मनुष्यों का किस के तरह है, जानवरों की तरह है। तो तुम भी कौन बन गए, जानवर। जैसे जानवर होते हैं ना, उन्हें क्या होता है, बस सुबह उठो, अपने परिवार के साथ टहलेंगे धूप में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं शेर शेरनी के, वो बच्चों को लेकर, हिरण के बच्चे, हाथी के बच्चे बाहर निकलेंगे, फिर खाना पानी, फिर आराम, फिर टहलना, फिर खाना पानी, फिर रात का आराम, जल्दी जल्दी अपने गुफा में चले जाएंगे सोने के लिए। यही मनुष्यों की दुर्गति हो गई है, बस उठना बैठना, खाना पीना, अपने में, अपने धंधे में लग जाना, वापस अपना परिवार, वापस उठना बैठना, खाना पीना, विश्राम को पाना। न खुद की सोच है, न खुद के विकास की, न परिवार के विकास की, न दुनिया के विकास की कोई सोच है, ऐसे मनुष्य बन गया है। इसलिए अंतर नहीं बचा इसमें, जानवर में और मनुष्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक समान ही है। जो आत्मिक स्थिति में है सिर्फ वही जानवर की योनि से बाहर है, ध्यान में रखना इस घड़ी। वरना जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस इंसान में सारे जानवर उपस्थित हैं, ध्यान से देखना उसे, सारे जानवर उपस्थित हैं। समझ की बात, इंसान जानवरों की आवाज निकाल के दिखा सकता है, माना जानवर का कुछ तो अंश उपस्थित है ना उसके अंदर, ऐसे ही आवाज नहीं निकलती ना, कॉन्शियसनेस कहीं तो मैच हो रहा है ना, इसलिए आवाज निकाल पा रहा है, जानवरों की नकल कर पा रहा है। वो खुद ही बना हुआ है, उसे पता नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे ध्यान दो, अपने को पावन बनाओ, अपने सत्य स्वरूप में आओ। बस सत्य स्वरूप में आए कि पावन बने, जानवरों के स्वरूप में मत रहो, जानवर बनकर नहीं रहना। मेरे बच्चे हो तुम, आत्मा हो, देवता हो, फरिश्ते हो, मेरे बच्चे हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तो माया के बच्चे हैं। समझ की बातें हैं। अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक असुरी गुण हैं, यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजिलत सिखलाने की। दैवी मैनर्स सिखा रहे हो तुम, दैवी चाल चलन, जानवरों की नहीं। तुम चेक करो तुम कितना सीखे हो दैवी फजिलत को। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो, श्रीमत पर
जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही श्रीमत पर चला पाएंगे दूसरों को, वरना बाबा कहते मुश्किल हैं। तुम खुद अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो दूसरों को तुम श्रीमत का ज्ञान नहीं दे पाओगे, उन्हें नहीं चला पाओगे, समझ की बात है। तो बच्चे ध्यान देना, यह एक ही जन्म है श्रीमत पर चलने का। एक बार शरीर छोड़ा फिर बच्चे तुम छोटा बच्चा मना शरीर छोटा बनकर मेरे सामने भी आए फिर भी तुम्हारे लौकिक माता पिता समझाएंगे, बाबा देखो बाबा बैठा है, बाबा कहो, भूल जाओगे। बाप हंसता है देखकर, बच्चे जब बाबा कहना था तब आए नहीं कहने के लिए मेरा बाबा, और अभी छोटा बच्चा बनकर आए हो, तुम्हारे माता पिता सिखा रहे, देखो बाबा बैठा है, बाबा कहो। ऐसी दुर्गति को मत पाओ। जब जागृत हो तब कहोगे तो उसका रिटर्न अलग मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम किसे बाबा कह रहे हो। ध्यान देना, एक बार शरीर छोड़ा कि खेल खलास, बाबा कहते ड्रामा बदल गया, पार्ट बदल गया, और इस भरोसे नहीं चलना कि शरीर तुम्हारा कोई अजर अमर अविनाशी है। बाबा कहते मेरा शरीर विनाशी है तो तुम्हारे शरीर की बात क्या करें, राम गयो रावण गयो। ध्यान देना, तुम भी जाने वाले हो, रहने के लिए आए नहीं हो, समझ की बात है। जाग सको तो जागो, तुम्हारा ड्रामा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच शिव उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना, परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है, और किसको परमात्मा नहीं कहते, समझ की बात है। बाबा कहते ऊंच कर्तव्य करने के लिए मैं आया हूँ, मनुष्य से देवता बनाने, यही मेरा काम है। तुम एक बार देवता बन गए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, देवता ही हो जाएगी। दुनिया क्या सिखाती है, बाहर ही बदलो फिर अंदरूनी बदल जाएगा। बाप कहते हैं लॉ ऐसे नहीं है, पहले अंदरूनी बदलो फिर बाहरी बदल जाएगा, ऐसा लॉ है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जिस बात के लिए तुम लायक बनते हो वो बात तुम्हें अपने आप मिल जाती है, ध्यान में रखना। एक बार तुम्हारी चाल चलन देवताई बन गई तो देवताई सृष्टि तुम्हें प्रकृति को ड्रामा को देनी ही पड़ेगी, ध्यान में रखना। इसलिए सृष्टि को बदलने की कोशिश मत करो, तुम बस अपने को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हर कोई दूसरे को सृष्टि को बदलने की कोशिश कर रहा है, बाबा कहते यह गलत कोशिश है, यह गलत और व्यर्थ प्रयास है, तुम अपने को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। जिस बात के लायक तुम होंगे वह बात तुम्हें मिल ही जाएगी, वह कहाँ जाएगी, उस बात की आश मत लगाओ, इससे अच्छा उसके लायक बनो, समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं यही ऊंचा कर्तव्य करने में आया हूँ, बच्चों को लायक बनाने आया हूँ, ऊंच बनाने आया हूँ,
समझ की बात है, बच्चे ध्यान दें। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है, और किसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। बच्चे समझो, सभी नहीं समझ पाते मैं कौन हूँ। मुश्किल है, बाबा कहते हैं। सभी अगर समझ जाए तो यहाँ जगह नहीं होगी बैठने के लिए। इसलिए ड्रामा भी ऐसा है कि जब तक समय ना आए तब तक बाप को सभी नहीं समझ पाएंगे। यह व्यवस्था भी नहीं है बाबा के पास कि सभी समझ जाए और भीड़ लग जाए। अभी भी जितने हैं बाबा के बच्चे, वो भी सभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि रोज़ के रोज़ उतनों की व्यवस्था। बाबा कहते हैं, यह नहीं कर पाऊँगा मैं, मुझे सेवा पूरी करनी है। हाँ, जिसका भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, वो समझ जाएगा और वो आ जाएगा। समझ की बात है, सौभाग्यवान ही आएगा। अंत में तो सभी समझ जाएंगे। बाबा कहते ना, हट्टी तो एक ही है। कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास तो आ ही जाएंगे। समझ की बात है। इसलिए ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, लेकिन बच्चे, ड्रामा में तुम्हें चांस भी है मुझे समझने का। ध्यान में रखना, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो समझ सकते हैं कौन बोल रहा है। समझ की बात। उसके लिए भी बाबा कहते हैं, सौभाग्य चाहिए। ये विचार मन में आए कि कौन बोल रहा है, आसान बात नहीं होती। आकाशवाणी तो होती रहती है, पर किसने की कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से कौन बात कर रहा है, कौन मुरली चला रहा है, यह समझने के लिए बुद्धि लगती है। बुद्धि से भी ज़्यादा बाबा कहेगा, सौभाग्य लगता है। तुम्हारे अगर कल्प के कोई पुण्य होंगे भक्ति के, तो ही तुम समझ पाओगे, वरना मुश्किल है। ज्ञान तो सुनोगे, कहोगे ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है इन्हें सुनने में, इन्हें देखते हैं हम बात करते वक्त, बड़ा आनंद आता है। शायद तुम ऐसी कोई दुनियावी बातें करो, मौज वाली, बाहरी रूप की, पर मुझे समझने के लिए पुण्य चाहिए। समझ है, मेरे सामने बैठकर भी मुझे समझना मुश्किल है,
ध्यान में रखना। सामने बैठकर, नजदीक बाजू में बैठकर भी समझना मुश्किल है कि मैं कौन हूं। समझ की बात है, मैं तो मेरा पार्ट बजा रहा हूं, मैं मेरा कार्य करता रहूंगा, ड्रामा में नोंद है सारी बातें, अपने आप ड्रामा अनुसार अपने समय पर हर बात होती जाएगी, कार्य आगे बढ़ रहा है। पर तुम तक अगर ये बात पहुंच रही है तो अभी तुम्हारी बारी है समझने की कि कौन बात कर रहा है। उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मुझे कोई शौक नहीं भीड़ में बैठने का, जो मिलना है वो तुम्हें मिलेगा। भीड़ का कोई शौक नहीं मुझे, भीड़ हो या ना हो मैं मेरा पार्ट बजाता रहूंगा, मेरा पार्ट है, मैं मेरा कार्य करता रहूंगा। तुम्हारे आने या ना आने से ये कार्य होगा या रुकेगा ऐसी कोई बात ही नहीं है। समझ की बात है, मेरा अगर पार्ट है कि कोई भी ना हो और मुरली चलाए फिर भी मैं चलाऊंगा, जिन तक पहुंचानी है पहुंच जाएगी, मुझे उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है मुरली चलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तुम जानते हो बच्चे मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। बिना उपस्थिति के भी मैं ज्ञान आत्माओं की बुद्धि में डाल सकता हूं। समझ की बात है, समझना बाबा कहते भाग्य की निशानी है, और समझकर बाप के पास पहुंचना परम सौभाग्य की निशानी है। हाँ बच्चे समझ जाते हैं बाबा है, बाबा बात कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा, अभी आगे क्या, आगे क्या, बस बाबा वहां से ही करते रहना है या बाप तक पहुंचना है, बाप के लायक बनना है, बाप जैसे बना रहा है वैसे बनना है या नहीं बनना है। समझ की बात है, आदि में भी ऐसे ही हुआ, आदि में पूरा जीवन गया सभी का समझने में, दादा लेखराज है या परमात्मा है, कौन है, ब्रह्मा बाबा ने टाइटल दिया पर हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, न यज्ञ में डाइजेस्ट हुआ, दुनिया वालों की बात ही छोड़ दो। समझ की बात है, बाबा कहते हैं अंत भी ऐसा ही है, मजेदार, लेने वाले लेंगे भाग्य, मैं तो बांट रहा हूं, खुलेआम बांट रहा हूं, तुम्हारे पुण्य होंगे, देखिए तुम्हारे पुण्य थे भक्ति के, इसलिए किसी ने तुम्हें पर्चा दिया, शिव संदेश दिया, तब तुम सेंटर पहुंचे कोर्स करने के लिए, ध्यान में रखना, और ज्यादा पुण्य थे इसलिए तुम पक्के बने सेंटर पर, और बाबा मिलन के लिए मधुबन पहुंचे, और ज्यादा पुण्य थे इसलिए तुम्हें समझ में आया कि सामने कौन बैठा है मधुबन में और कौन मुरली चला रहा है, तुम गदगद हो गए, तुम्हें अनुभव हुआ, और ज्यादा पुण्य थे उसके कारण तुमने बाप की श्रीमत को माना और बाप समान बनते गए, सारा खेल पुण्य का है, ध्यान में रखना। पुण्य होंगे भक्ति के, पुण्य भाव से जन्मते हैं, जितना भाव शुद्ध ऊंचा उतने पुण्य बढ़े, ध्यान में रखना। पुण्य के माता पिता भाव है,
भाव जन्म देता है पुण्य को। उसी प्रकार अंत की बात है, समझ की बात है, सभी नहीं पहुंच पाएंगे, जिनका पार्ट होगा वही पहुंचेंगे, वही समझेंगे और अंत में प्रत्यक्षता होगी। सभी बच्चे कहेंगे मेरा बाबा आ गया, बाबा कहेगा मेरे बच्चे आ गए, ड्रामा पूरा हो गया, चलो घर, ड्रामा पूरा हुआ। देखिए साकार के संग पाठ बजाने का परम सौभाग्य सबका नहीं होता, मिलता सबको है पर होता सबका नहीं, किसी किसी को मिलता है, वो भी महापुण्य हो तो। बाबा ने कहा ना अनंत जन्मों के पुण्य होंगे तो ये सौभाग्य, परम सौभाग्य मिलता है, अनंत जन्मों के पुण्य का, अनंत कल्पों का ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। ऐसे कोई भी पार्ट नहीं बजा सकता, ध्यान में देना, चांस मिलता है सभी को, समझ की बात है। इसलिए बच्चे अगर कभी चांस मिले छोड़ना नहीं। इसी बात को लेकर अंत में होगा, बाबा कहते हैं ना कुछ बच्चे खून के आंसू रोएंगे, थोड़ी ऐसे पद गया इसलिए रोएंगे, बाप गया इसलिए रोएंगे, बाप को समझ नहीं पाए, बाप को पा नहीं पाए इसलिए रोएंगे, संसार में फंसे रहे, नौकरी धंधे में परिवार में फंसे रहे और बाप को खो दिया इसलिए रोएंगे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा उनका, माया बैठी है। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है, मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं, आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए, त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य को कितना भी सुनाओ, सुनी अनसुनी कर देते हैं, उल्टी बातों पर चलते हैं, आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। ये सबसे बड़ी बात है ईश्वरीय बुद्धि। सभी बच्चों के पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि से ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है, ध्यान में रखना। मनुष्य बुद्धि तो तुच्छ बुद्धि है, बाबा कहते उसकी बात भी नहीं करो, ईश्वरीय बुद्धि ही चाहिए, बाकी किसी बुद्धि से बाप को नहीं पहचान सकते, न ब्राह्मण बुद्धि, न फरिश्ता बुद्धि, न देवता बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि ही चाहिए बाप को पहचानने के लिए, ध्यान में रखना। तुम्हारे पास है, होगी तो चेक करो, होगी तो तुम पहचानोगे, ज्ञान सुनोगे, समझोगे और धारण करोगे। बाप को कभी कभी हंसी आती है बच्चों पर कि कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है बच्चों की,
कि मुरली सुनते, योग करते, बाप को पहचान नहीं पाते। कितनी तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं कि योग में बैठे हैं। किसके योग में? बाप के। बाबा को याद करने के लिए बैठे हैं, और वो बाप जो कहता है वो करते नहीं, बाप को कारण देते हैं। ऐसे बच्चे हैं। अभी क्या कहें इन बच्चों के लिए, जाने दो। बाबा कहते रोज रोज भी क्या कहना। कोई पत्थर होता है, रोज रोज मूर्तिकार प्रयास करता है उसे ठोक कर आकार देने का, पर एक समय आता है उस मूर्तिकार को लगता है ये पत्थर नहीं टूट पा रहा है, आकार नहीं ले पा रहा है, वो छोड़ देता है। ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं। बाप कितना भी समझाए, मायावी बुद्धि है ना, समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। जैसे मूर्तिकार पत्थर को छोड़ देता है, ऐसे बाप भी उस बच्चे को छोड़ देता है। बाप यही कहता है ये बच्चा अंत में मिलेगा, मानी मोचरा लेगा, सजा खा के पद मिलेगा इसे, ये नहीं बन पाएगा। बाप की श्रीमत अनुसार इसे भूल जाते हैं। बाप परिवार में भी कहता है बच्चों को कि इस बच्चे को भूल जाओ, तुम ये बच्चा नहीं चल पाएगा ज्ञान में। था इतने लंबे समय से संगठन में, परिवार में, बाप ने बड़ी ऊंची पालना दी, तुम्हारे द्वारा भी दी, डायरेक्ट भी दी, पर ये नहीं बदल पा रहा है, ना बदलेगा, इसे तुम भूल जाओ, ये हमारे परिवार का नहीं है, ये दैवी परिवार का नहीं है, ये विश्व कल्याणकारी परिवार का नहीं है, इसे तुम भूल जाओ, बाप कहता है एक समय पर, क्योंकि ये नहीं बनेगा अपने जैसा, अपने कुल का नहीं है। जो विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, जो दुनिया बदलने वाले बच्चे हैं, उनका कुल अलग है, ध्यान रखना। दुनिया बदलने वाले बच्चे, बदलती हुई दुनिया को लेने वाले, उसका सुख भोगने वाले बच्चे बाबा के अलग हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया है बाबा के बच्चे, राज करने वाले बच्चे, ऊंचे बच्चे हैं। दुनिया बदलने वाले बच्चे शिव कुमार शिव कुमारिया है, डायरेक्ट बच्चे बाप के, ये दुनिया बदलने वाले। बाकी इनके मददगार बनेंगे दुनिया बदलने के लिए। बाप ही टाइटल देता है डायरेक्ट, ये वाला समझ की बात है। तो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं, कोई पत्थर होते हैं, हर पत्थर एक समान नहीं होता मूर्ति बनाने के लिए। 100 पत्थर लाएंगे तब जाके 10 मूर्ति बनती है, मुश्किल से 90 पत्थर ऐसे ही निकलते हैं, समझ की बात है। कितनी बड़ी बात है कि उस पत्थर की मूर्ति बनाई जाते हैं। कहा या तहा पड़ा था पत्थर, उसे उठा के लाया, उसकी मूर्ति बनाई। अभी उस मूर्ति में प्राण डाला जाएगा, मंत्रों से उसकी प्राण प्रतिष्ठापना की जाती है, और लंबे काल तक उस पत्थर की मूर्ति के रूप में उस पत्थर के अंदर प्राण की पूजा की जाती है लंबे समय तक। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, बाप वो बना रहा है, पर सभी बच्चे वो मूर्तियां नहीं बन पाते, समझ की बात है।
समझ की बात है। किसी किसी मूर्ति के अंदर की कोई देवी या देवता बाबा ही साक्षात्कार कराता है, प्रकट हो जाता है और भक्त को कहता है दूसरा एक मंदिर बनवाओ, तीसरा बनाओ, यहाँ बनाओ, वहाँ बनाओ। माना वो मूर्ति कौन बनी? शिव कुमार शिव कुमारी बनी, नए विश्व की स्थापना के मददगार बने, क्योंकि उस मूर्ति ने साक्षात्कार करा के, उस देवी या देवता ने साक्षात्कार करा के दूसरे मंदिर बनवाए, उसके कारण वह सत्कर्म शुरू हुए, पुण्य कर्म शुरू हुए, इसलिए वो मुख्य बने। ऐसे कुछ एक ही बनते हैं, सभी नहीं बन पाते हैं बाबा कहते हैं। तो ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, ईश्वर का ज्ञान समझने के लिए ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, और ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए लंबे काल तक ईश्वर के साथ रहना पड़ता है। घर में रहकर ईश्वरीय बुद्धि नहीं मिल सकती, ध्यान देना। घर संसार ही है, संतों को भी ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना पड़ा, घर संसार छोड़ के। जब घर संसार छोड़ के जंगल में गए, तप किया बहुत सारा, ईश्वर से बातें की, रुअरिहान की, तब ईश्वरीय बुद्धि मिली, तब जाके उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। घर में बैठकर किसी संत ने ग्रंथ नहीं लिखे, पहले ये खुद का ग्रंथ बना, फिर उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। ऐसे घर में बैठकर नहीं होता, और फिर उन ग्रंथों से भक्ति मार्ग चला, भक्ति की सेवा चली। ध्यान देना, समझ की बातें हैं। इसलिए ईश्वरीय बुद्धि घर बैठकर नहीं मिलती, और सभी के बस की बात नहीं है ईश्वरीय बुद्धि को पाना। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, ध्यान देना। शेरनी का दूध, समझ की बात है। बच्चों के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ईश्वरीय बुद्धि को ले पाओगे, वरना बाबा कहते हैं ड्रामा। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है, उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है। देखिए, बाबा का ज्ञान तुम तुम्हारे हिसाब से सुनते हो, तुम्हारी बुद्धि तुच्छ बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, ब्राह्मण बुद्धि भी नहीं तुम्हारे पास कि कुछ समझ सको, और उस ज्ञान को उल्टा पुल्टा करते हो। इसलिए बाप पहले से कहता है, अब तक जो पढ़ा लिखा है सुना है वो सब भूल जाओ, और जो मैं कहता हूँ वो सुनो। तुम सुनते हो और तुरंत तुम्हारी तुच्छ बुद्धि से उसके तर्क वितर्क शुरू होते हैं। ये तुच्छ बुद्धि, ऐसे कभी हुआ है कि बाप ने बोला और तुमने माना? कभी हुआ है क्या? तुरंत के तुरंत बाप का कहना और तुम्हारा करना, हाँ जी, ऐसे कभी हुआ है? तुम निकालोगे ये तर्क वितर्क, तुच्छ बुद्धि है ना, मनुष्य बुद्धि है ना। ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि है ना, उसे अगर बाप ने कहा बैठो यार 24 घंटे, हिलना नहीं यहाँ से, 24 घंटों तक यहाँ से हिलना नहीं, बिल्कुल उठना नहीं, वो बैठा रहेगा, वो ये कुछ भी नहीं कहेगा, बाबा मेरा परिवार है, घर में जाना पड़ेगा, नौकरी है, धंधा है, मेरे लिए कोई सेवा है, जाना पड़ेगा, मुझे अड़चन है, अभी के अभी जाना पड़ेगा। ये सब तुच्छ बुद्धि वाले, जो ईश्वरीय बुद्धि वाले हैं ना,
हाँ जी बाबा, वहाँ कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है। कहा किसने है बैठो, वो जानते किसने कहा है, कोई कारण नहीं देंगे बाप को। बाप को कारण देना माना बाप का सरेआम अपमान करना है, ध्यान में रखना। बाप की बात डायरेक्ट मानना माना बाप को रिगार्ड देना है, ध्यान में रखना। इसलिए तुम कौन हो, कारण देने वाले अकासुर बकासुर हो या महाकारण की बात मानने वाले बाप के बच्चे हो, चेक करो। समझ की बात है, इसलिए तो वो उदाहरण बना है ना आदि वाला। साकार में बाबा ने कहा ये बेड नीचे रख दो, वो बच्ची कह रही थी बाबा इसके अंदर नहीं जाएगा, मम्मा भी खड़ी थी। बाबा ने कहा प्रयास करो, वो उदाहरण है ना, कहते हैं ना सभी। बच्ची कहती नहीं जाएगा, तीन बार कहा, बाबा ने छोड़ दिया। कहते हैं ना मम्मा कहे उनको, आपको पता नहीं कौन कह रहा था, आपको प्रयास करने में क्या जाता है। अगर उन्हें दिखा, बाप को दिखा कि ये नहीं जा रहा है, बाप कहेगा बाजू में रख दो। पर बच्चे पहले से कहेंगे बाबा ये ऐसे नहीं होगा, हम नहीं चल पाएंगे, हमें तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ देखना करना है, घर परिवार संभालना है, नौकरी धंधा देखना है, परिवार देखना है। समझ की बात है, तुम्हें मैं देखता हूं और तुम्हें परिवार देखना है। आसुरी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। ईश्वरीय बुद्धि हो तो उन्हें समझ में आएगा कौन कह रहा है। बाबा कहते परीक्षा तो होगी, बिना परीक्षा के कोई संत महात्मा नहीं बना है आज तक, सबकी परीक्षा हुई है, धर्म स्थापकों की भी परीक्षा हुई है। तुम किस खेत की मूली हो, समझ की बात है। परीक्षा तो आएगी, या तो तुम नापास होंगे या पास होंगे, तुम्हारा ड्रामा। बच्चे ध्यान से चेक करना, हर घड़ी चेक करते रहना, हर कर्म बोल संकल्प में दृष्टि वृत्ति में चेक करते रहना। ईश्वरीय बुद्धि है तुम्हारे पास, हर घड़ी चेक करते रहना, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आसुरी बुद्धि विनाश करेगी और विनाश होकर पछताना पड़ेगा, ध्यान देना। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं, जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है, इनमें अर्जुन अवगुण है, देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए, पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत यानी मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं,
ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं, उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है, जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? तुम्हें बनाते हैं, आ जाओ, तुम्हारे तन में आते हैं, समर्पण करने के लिए तैयार हो? सब कुछ तुम्हें बनाते हैं। सवाल पूछने से पहले सोचो एक घड़ी, और अगर तुम्हें ब्रह्मा बनाया, संभालोगे सबको? बैठोगे इतने वर्षों से ऊपर सूक्ष्म तन में? है तैयारी? संभालोगे आदि से यज्ञ, इतने सारे बच्चों को करोगे सब समर्पण? समझ की बात है, तुम्हें बनाते हैं, आ जाओ, अभी आओ। सवाल पूछने वाले को ब्रह्मा बनाते हैं, आ जाओ। सवाल ऐसे ही पूछते हैं, जबान उठाई और सवाल पूछा। किसे पूछ रहे हो? ये भी अकल है तुम्हें? समझ की बात है, क्या पूछ रहे हो? कुछ भान है, समझ है तुम्हें? समझ की बात है, जो सीखना है, जो समझना है, वो नहीं समझते। मायावी बुद्धि से कुछ भी पूछो, जो मन में आए पूछो। पूछने से पहले ध्यान रखना, किसे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। कुछ भी नहीं पूछना, मैनर्स होने चाहिए तुम्हारे पास। किसी को कुछ भी नहीं पूछा जाता, और पहले समझने की कोशिश करो उस सवाल के जवाब को, अपने से चिंतन करके, मंथन करके। और फिर अगर समझ में ना आए, किसी और को पूछो। यज्ञ में जो बड़ा ज्ञानी है उसे पूछो, फिर भी ना समझ में आए तो बाप के पास आओ। डायरेक्ट मुंह में सवाल आया और बाप को बोल दिया, ऐसे मत करो, बोझा चढ़ेगा। बाप को कुछ भी पूछा नहीं जाता, बोझा चढ़ेगा, ध्यान रखना। बहुत बच्चे ऐसे पूछेंगे, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? समझ की बात है, और मैं जो जवाब दूंगा उसे समझने के लिए और उस पर राजी रहने के लिए तैयार हो? नहीं हो ना, तो मेरा जवाब है मेरी मर्जी, मैं भगवान हूं, मेरी मर्जी, मैंने बना दिया दादा को ब्रह्मा, मेरी मर्जी है। समझ की बात है, ये सवाल उठाने वाले बाप के जवाब को समझने के भी लायक नहीं होते। ऐसा सवाल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ की बात है, बहुत बच्चे ऐसे सवाल उठाने वाले दुर्बुद्धि वाले हैं, मायावी बुद्धि वाले हैं, और क्या कहें, इन्हें सद्बुद्धि मिले ना मिले तो माया और दुर्बुद्धि बनाए, और क्या दे इन्हें वरदान। समझ की बात है, क्यों माया और दुर्बुद्धि बनाए पता है? बाप ने ऐसा क्यों कहा बच्चों के लिए? क्योंकि ये संशय बुद्धि वाले यज्ञ में आएंगे, एक आएगा और 100 को लेके जाएगा, इससे अच्छा इनकी पूरी पूरी दुर्बुद्धि बने और ये अकेले यज्ञ से बाहर जाए, दूसरों को ना लेके जाए, इसलिए माया इनको दुर्बुद्धि दे। और बाप हमेशा वरदान ही देता है, शाप कभी नहीं देता, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं हो रही तो क्या करे, दूसरों की दुर्बुद्धि ना करे ना ये, इसके लिए इनकी कड़ी दुर्बुद्धि हो जाए और यज्ञ से बाहर हो जाए, कम से कम दूसरे तो बच जाएंगे इनसे।
वरना ये संशय बुद्धि यज्ञ में रहे, दूसरों को भी बाहर लेके जाएंगे, दूसरों का भी विनाश कर देंगे। ऐसे भले खुद का करें, वो उनकी मर्जी, वो मालिक है अपनी मर्जी के। ऐसे बच्चों के संग में नहीं रहना है, ध्यान में देना है, इस बात को ध्यान देना है कि जो बच्चे सद्बुद्धि वाले नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि वाले नहीं, उनसे बात करना भी पाप है, ध्यान रखना। फिर वो कोई भी हो, जिन्हें बाप का ज्ञान समझ में नहीं आता, बाप की श्रीमत समझ में नहीं आती, ऐसे बच्चों से बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम कब उनके जैसे बनोगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मुख्य कौन? जो बाप के संग में रहकर, जिन्हें बाप की श्रीमत समझ में नहीं आ रही, मुख्य वो बच्चे। बाकी बाहर वाले बच्चों का पार्ट अभी भी बाकी है खुलना, समझ की बात है। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए, सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बन ने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है, वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने, यह कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सदगति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है, अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है, ब्राह्मण चोटी देवता सिर, क्षत्रिय भुजाए, वैश्य पेट, शूद्र पैर, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था और अब है ही नरक,
तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगा है, ज्ञान सागर से निकली हो, भक्ति में समझते हैं। गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है, यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदिदेव आदिदेवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई? शिव परमात्माए नमः गाते भी है, हे परमपिता परमात्मा आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है, बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है, बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है निधन के, अनेक धर्म अनेक मते हो गई है। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना? अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एज्ड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं, खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया,
फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा, प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं देखना कितने भाग गए हैं, कितने भाग रहे हैं और कितने भागने वाले हैं, बस देखना। आएंगे अंत में, कहाँ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते अंत अंत होता है, आकर क्या करेंगे। मेला तो समाप्त हुआ बाप के साथ आनंद लेने का, बहुत बच्चे मेले में कूदते रहे, नाचते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, और तुम कब आए, जब घर जाना है। बाबा कहेगा फिर भी ठीक है, चलो आ जाओ, अब घर चलते हैं, मेले का सौभाग्य नहीं था तुम्हारा। समझ की बात है, तुम ही मेले बन गए, मेले मना मराठी में मरना, तुम ही मेले बन गए, इसलिए तुम्हारा मेले का भाग्य नहीं बचा। समझ की बात है, सौभाग्य सभी का नहीं होता मेले का, मेले में घूमने फिरने का। तो देखिए बहुत भागेंगे, बाबा कहते हैं माया ऐसे ही सौभाग्य लेने नहीं देगी बाप के साथ का। ये परम सौभाग्य सतयुग से भी ऊंचा सौभाग्य है, माया आसानी से लेने नहीं देगी हर किसी को। मिलने के लिए भी आने के लिए माया सौभाग्य आसानी से नहीं देगी, रहना तो छोड़ ही दो, बाबा कहते हैं बाप के संग। बड़ी बात है, समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं माया आसानी से नहीं देगी, ध्यान रखना। तुम्हें लेना है, जोर लगा के लेने वाले ले, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, अभी बाप की बातों का तुम्हें दुख लगता है, ये तुम्हारी समस्या है। मैं तो सुख देने के लिए आया हूँ और तुम्हें दुख नहीं लगता, तुमने जो माया पकड़ के रखी है उसको दुख लगता है और उसके वश तुम हो, इसलिए तुम्हें दुख लगता है। वरना बाप की बातों का किसी को दुख नहीं लग सकता, बाप तो सुखी बनाने आया है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना, कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। बच्चे एक बात ध्यान में रखना, तुम भी आपस में चलते ध्यान देना, तुमसे किसी को दुख ना मिले। तुम्हें कोई दुख देगा चलेगा, पर तुम किसी को दुख नहीं देना। बाप तो कहता है न दुख दो न दुख लो, पर बाबा यहाँ कहेगा कि किसी ने दिया हर्जा नहीं, तुम उसे माफ कर दो रहम दिल होकर, पर तुम तुम्हारे चाल चलन से गलती से भी किसी को दुख नहीं देना, ध्यान देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम।
धारणा के लिए मुख्य सार है एक नंबर, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दो नंबर, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो, सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी, अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं, सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है, यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी, उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है, ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उनों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं, उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं, मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं,
जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है जो उनों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंतकाल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बच्चे इस बात को समझो, अंत मति सो गति, इसलिए अंत में बाप याद आए, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ध्यान में रखना, तुम्हें अंत आते आते भूलना पड़ेगा कि इसे माइक कहते हैं, इसे कुर्सी कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं। सामने वालों के नाम तो छोड़ दो, वस्तुओं के नाम भी भूलने पड़ेंगे, उसमें भी बाबा याद आए, इतना पक्का बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है संसार भूलो, तुम्हें अगर याद है ना फलानी वस्तु को फलानी वस्तु कहा जाता है, बाबा कहते याद जरूर आएगी अंत समय में। अरे वो फलानी वस्तु कहाँ रखी है, देखो आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है फिर भी उसे वस्तुएं याद आ रही है, दुर्गति को पाएंगे। इतना पुरुषार्थ करके ध्यान देना, इसलिए बच्चे ऐसे हरकत नहीं करना, दुर्गति की तरफ नहीं जाना, ध्यान देना। सदा बाप याद रहे हर बात में, संसार से विश्राम लो, मुक्त हो जाओ, बंधन में नहीं फंसो, ध्यान दो। परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी राजा बच्चों को बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। सतयुग में राजा ही पाएंगे तब पाएंगे। वो बाबा कहते हैं तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है, पर बाप के दिल के राजा बच्चे तुम अभी बन सकते हो। सतयुग चलो ड्रामा है, पर बाप के दिल के तो तुम्हारे हाथ में है ना, बाप के दिल का राजा बच्चा बनना तुम्हारे हाथ में, मना बाप के दिल पर राज करने वाले ऐसे बच्चे जिनका कहना बाप माने, ऐसे बच्चे बनो। सौभाग्य सबको मिला है, बाकी तुम्हारे पास जितना सौभाग्य होगा होगा पर्याप्त, तो बनो, इसमें ड्रामा नहीं कहेंगे, ये तुम्हारी हाथ में, ध्यान देना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।